दिवाली आने वाली है और दिवाली के महज 2 दिन पहले आता है धनतेरस, जहां धनतेरस पे लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, तो वहीं दिवाली का बोनस कर्मचारियों को उनके बॉस के द्वारा दी जाती है। बेचारे रह जाते हैं तो जो युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मगर खबर जो युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार खोज रहे युवाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं, जिसमें आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख की नौकरियों के लिए वो ऐलान भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 विभागों का समीक्षा किए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले 2023 में, यानी कि 1.5 साल के बाद 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और जिसकी शुरुआत आज वो रोजगार मेला के दौरान करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन 76,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट देकर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ इसके बारे में डिटेल आया है और क्या कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा से जानकारी दी गई है, आइए हम आपको बताते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को इस दीपावली भारी खुशियां मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान करने वाली है। इस धनतेरस पर पीएम मोदी रोजगार मेला लॉन्च करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि इस लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस बात की जानकारी मीडिया में खुद पीएमओ की तरफ से दी गई है। पीएमओ की तरफ से दी जानकारी के अनुसार कहा गया है कि इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 38 मंत्रालयों की विभागों की समीक्षा की थी। इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने वाली 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। वहीं 10 लाख सरकारी नौकरियां यहां से आएगी, इस बात पर पूरी बारीकी से जवाब दिया है। पीएमओ ने कहा है कि ये नौकरियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय की ओर से उनके विभाग द्वारा निकाली जाएगी। इसके साथ ही पीएमओ ने बताया है कि ग्रुप ए कैटेगरी में 23,584 नौकरियां निकलेगी, तो वहीं ग्रुप बी के लिए 26,282 और ग्रुप सी के लिए 8.36 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही अकेले रक्षा मंत्रालय की ओर से ग्रुप बी के लिए 29,366 और ग्रुप सी के लिए 2.14 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। रेलवे में ग्रुप सी के लिए 2.19 लाख और होम मिनिस्ट्री में ग्रुप सी के लिए 1.21 लाख पद खाली है। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 37.3% के साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 31.4% और झारखंड में 17.3% बेरोजगार है। वहीं इस लिस्ट में 0.4% के साथ छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, जबकि मेघालय और महाराष्ट्र में 2% और 2.2% की बेरोजगारी दर्ज की गई। आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख से भी ज़्यादा रोजगार पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी और रेलवे भर्ती जैसे एग्जामों के द्वारा ये किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन जिन विभागों में ये सीट खाली है उन्हें भरा जाएगा और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।